Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at Tag TV. Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफे का सिलसिला जारी है। सूबे के प्रीमियर डग फोर्ड की जानिब से यॉर्क रीजन में कोरोना के बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार किया गया है। कनाडा हांगकांग के मुजाहिरीन को अपने मुल्क में पनाह ना दें। चीनी एलची का कहना है कि इससे चीन के अंदरूनी मामलों में मुदाखलत होगी और यकीनी तौर पर पुरतशद्दुद मुजरिमों की हौसला अफजाई होगी। कोरोना वायरस के सबब हुकूमती इमदाद के प्रोग्राम से मुतालिक कनेडियन शहरी परेशानी और कन्फ्यूजन का शिकार हैं। शहरियों को दरख्वास्त देने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। आखिरी इतलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 191,732 हो गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 3,92,33,316 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 11,03,733 हो गईं। 2,94,10,218 कोरोना मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। अमेरिका का अगला सदर कौन होगा? हरीफों के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। जो बाइडेन का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से अमेरिकी नहीं, सदर ट्रंप खुद घबरा गए। अमेरिकी सदन ने वबा के हवाले से हुकूमती हिकमत अमली का इत्तफाक किया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर, आला क्लीन क्वालिटी, 75% फूड ग्रेड अल्कोहल, नॉन स्टिकी और नॉन ऑयली फार्मूला। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 905-956-6699। ऑन्टेरियो के महकमा सेहत के हुकाम का कहना है कि हम ये यकीनी बना रहे हैं कि हम ऑन्टेरियो के बाशिंदों की हिफाजत और सेहत को यकीनी बनाएं। सूबे भर में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केसेस टोरंटो, पील, यॉर्क और ऑटोवा में सामने आ रहे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफे का सिलसिला जारी है। सूबे के प्रीमियर डग फोर्ड की जानिब से यॉर्क रीजन में कोरोना के बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार किया गया है। डग फोर्ड का कहना था कि महकमा सेहत के हुक्काम के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं, जिसमें यॉर्क रीजन के हवाले से तबादला ख्याल होगा, जहां कोरोना केसेस ऑटोवा से ज्यादा हो गए, जिस रीजन में एक हफ्ते कबल स्टेट की पाबंदियां लगाई गई थी। सूबे के महकमा सेहत के हुक्काम का कहना है कि हम ये यकीनी बनाने जा रहे हैं कि हम ऑन्टेरियो के बाशिंदों की हिफाजत और सेहत को यकीनी बनाएं। उनका कहना था कि सेहत आमा की टीमों को कहा है कि जिन इलाकों में स्टेज 2 के तहत पाबंदियां आयद हैं, वहां इकदामात की निगरानी करें। हम उन हेल्थ यूनिट्स को देख रहे हैं जहां जिम्स खुले हुए हैं और वहां इकदामात का ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। सूबे भर में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केसेस टोरंटो, पील, यॉर्क और ऑटोवा में सामने आ रहे हैं। कनाडा में चीनी सफीर ने ट्रूडो हुकूमत को मुतनब्बे किया है कि वो बेजिंग के नाफिस किए जाने वाले कौमी सलामती के कानून से फरार होने वाले और वसी पैमाने पर तनकीद करने वाले हांगकांग के बाशिंदों को सियासी पनाह ना दें। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीनी एलची ने कनाडा को हांगकांग के मुजाहिरीन को सियासी पनाह देने से मुतालिक खबरदार किया है। कॉन्ग पियो ने चीन में स्पेवर कोबरे की कैद को जबरदस्ती सफारतकारी के दावे को मुस्तरद कर दिया। कनाडा में चीनी सफीर ने ट्रूडो हुकूमत को मुतनब्बे किया है कि वो बीजिंग के नाफिज किए जाने वाले कौमी सलामती के कानून से फरार होने वाले और वसी पैमाने पर तनकीद करने वाले हांगकांग के बाशिंदों को सियासी पनाह न दें। उन्होंने कहा कि इससे चीन के अंदरूनी मामलों में मुदाखलत होगी और यकीनी तौर पर इससे पुरतशद्दुद मुजरिमों की हौसला अफजाई होगी। उन्होंने अपनी हुकूमत के इस मुतालबे को दोहराया कि कनाडा मैंग को फौरी रिहा करे, लेकिन उसने इसरार किया कि मैंग की गिरफ्तारी का चीनी हुकूमत की तरफ से कोब्रिक और स्पेवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का कोई ताल्लुक नहीं है।
कोरोना वायरस के सबब हुकूमती इमदाद के प्रोग्राम से मुतालिक कैनेडियन शहरी परेशानी और कन्फ्यूजन का शिकार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दरख्वास्त दहिंदगान का कहना है कि उन्हें एरर मैसेजेस, सुस्त अमल और बेचैनी का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कोरोना वायरस के सबब हुकूमती इमदाद के प्रोग्राम से मुतालिक शहरी परेशानी और तजब्जुब का शिकार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दरख्वास्त दहिंदगान का कहना है कि उन्हें एरर मैसेजेस, सुस्त अमल और बेचैनी का सामना करना पड़ता है। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि नए कैनेडा रिकवरी बेनिफिट के लिए दरख्वास्त देना आसान होगा। कोई भी कैनेडियन नए इमदादी प्रोग्राम से फायदा उठाने में पीछे नहीं रहेगा। एक खातून का कहना था कि दरख्वास्त का अमल एक डरावना ख्वाब है, मैंने ऐसी मायूसी कभी महसूस नहीं की। उनका कहना था कि जब उन्होंने दरख्वास्त देना चाही तो उन्हें एरर मैसेज का सामना करना पड़ा और उन्हें वजह बताए बगैर हुकूमती इमदाद के लिए नाअहल करार दिया गया, जबकि दीगर कई शहरियों को भी ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। शहरियों ने हुकूमत से इस मसले को हल करने का मुतालबा किया है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमुई केसेस की तादाद 89,963 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 6,005 तक पहुंच चुकी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 191,732 हो गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9,699 है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमुई केसेस की तादाद 89,963 हो गई, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 6,005 तक पहुँच चुकी है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 62,196 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 3,022 है। अल्बर्टा में 21,433 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 288 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 11,034 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 250 है। दुनिया का कोई खत्ता कोरोना वायरस की मूजी वबा से महफूज नहीं। इसके मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। अमेरिका में इस वायरस से अब तक 2,22,754 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। दुनिया का कोई खिता कोरोना वायरस की मूजी वबा से महफूज नहीं। इसके मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 3,92,33,316 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 11,03,733 हो गई। 2,94,10,218 कोरोना मरीज सेहत याब हो चुके हैं। कोरोना वायरस केसेस के एतबार से 10 सरे फहरिस्त ममालिक में 33 करोड़ से जायद आबादी का हामिल अमरीका पहले नंबर पर है, जहाँ इस वायरस से अब तक 2,22,754 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमुई तादाद 82,19,088 हो चुकी है। भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है, जहां कोरोना से 1,12,214 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासर मरीजों की तादाद 73,72,394 हो गयी। कोरोना मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राजील तीसरे नंबर पर चला गया है, जहां ये वायरस 1,52,513 जिंदगियां निगल चुका है, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 51,70,996 तक जा पहुंची है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 23,723 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 13,69,313 हो चुकी है। फहरिस्त में 10वें नंबर पर फ्रांस पहुंच गया, जहां कोरोना वायरस की वबा से मजमुई अमवात 33,125 हो चुकी है, जहाँ इस वायरस के अब तक कुल केसेस 8,09,684 रिपोर्ट हुए हैं। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 22वें नंबर पर पहुंच चुका है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 5,127 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,41,062 तक जा पहुंची है। रियासत फ्लोरिडा के शहर मियामी में टीवी पर खिताब करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वबा के हवाले से अपनी हिकमत अमली का दिफा किया। उनका कहना था, सदर हूँ, लोगों से मिलना पड़ता है, किसी तहखाने में नहीं रह सकता। मज़ीद तफ़सील जानते हैं इस रिपोर्ट में।
अमरीका में सदारती इंतखाबात में दूसरा मुबाहिसा मुलतवी होने के बाद दोनों हरीफों ने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर खिताब किया। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से अमरीकी नहीं सदर ट्रंप खुद घबरा गए। अमरीकी सदर ने वबा के हवाले से हुकूमती हिकमत अमली का दिफा किया। अमरीका का अगला सदर कौन होगा? हरीफों के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। पेंसिल्वानिया में खिताब करते हुए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन ने कहा कि सदर ट्रंप कोरोना वबा के मुकाबले में घबरा गए। वायरस की हलाकत खेजी को अमरीकी आवाम से छुपाया जिससे 2 लाख से ज्यादा जानें गईं। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीकी नहीं सदर ट्रंप खुद कोरोना से घबरा गए। रियासत फ्लोरिडा के शहर मियामी में टीवी पर खिताब करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वबा के हवाले से अपनी हिकमत अमली का दिफा किया। उनका कहना था, सदर हूँ, लोगों से मिलना पड़ता है, किसी तहखाने में नहीं रह सकता। दोनों के दरमियान तीसरा और आखिरी मुबाहिसा 22 अक्टूबर को होगा। अमरीका में अर्ली वोटिंग का सिलसिला जारी है। वोटर्स लाइन में लगने के बजाय पोस्टल वोटिंग का तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। सदर ट्रंप डाक के जरिए वोट डालने पर पहले ही खदशात का इजहार कर चुके हैं। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक टीवी। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.